मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर निकालना है कौन सा पद, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पद। यानी सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि एन, ठीक है, एन एक ऐसा पद है, ठीक है, एन एक ऐसा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। यानी कि 94 पद सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एन एक माने हैं जो पद है, यही पद किसे अधिक है मान रहे हैं, ठीक है, कि माना कि एन एक ऐसी पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। यानी कि 94 पद ए 54, ध्यान देते यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन 132 अधिक है, किससे, इस 94 पद से एन 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 132 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले माना कि एन बराबर, मान लिए एन एक ऐसी संख्या है जो, एन एक ऐसी संख्या है जो 94 पद, यानी ये 54 से कितना अधिक है, 132 एन अधिक है। जब ये अधिक रहता है तो इसमें जोड़ते हैं बराबर करने के लिए, जोड़ दिए। अब देखिए हम जानते हैं एन बराबर एक फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है क्या, एन, यानी यहाँ पर एन रहता है तो एन में से घटाते हैं। यदि हम यहाँ पर ए 54 लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, ए 54 तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन का जब यहाँ पर क्या रखें 54, तो यहाँ पर रख देंगे 54 माइनस वन इंटू डी। यानी ए 54 को अब हम लिखेंगे ए प्लस 54 में से एक घटा लेते हैं, 54 में से एक घटेगा तो कितना होगा 53 डी, तो यहाँ पर लिखेंगे 53 डी। और ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखिए, अब यहीं से हम देखिए इस एपी से 3, 15, 27, 39 इस एपी से ए और डी का मान निकालते हैं, ए यानी प्रथम पद, देखिए जो शुरुआत का होता है वही होता है प्रथम पद, यानी ए का मान होता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर होगा ए बराबर 3 और डी का मान, देखिए डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं या तीसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तब भी डी का मान निकल जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तब भी उतना ही आएगा जितना आएगा, और 15 में से 3 घटाएगा तभी उतना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसानी के लिए 15 में से 3 घटा लेते हैं तो 12 आएगा, तो डी का मान क्या होगा 12, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, एन बराबर देखिए अब यहाँ पर दिखाते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए हैं, एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 54 को हम क्या लिखेंगे, ए 54 को अब हम लिखेंगे ए प्लस 53 डी, तो यहाँ पर लिख दिए ए प्लस 53 डी प्लस 132, ठीक है। और किसका मान निकालना है, हमको निकालना है इस एन का मान, और ए और डी का मान यहाँ पर दिया है, देखिए ए का मान भरेंगे 3 और डी का मान भरेंगे 12, तो ए पर रख दीजिए 3 प्लस एन का मान तो निकालना ही है, और डी का मान कितना रखिएगा 12 बराबर। अब देखिए ए का मान कितना, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई डी का मान रख दीजिए यहाँ पर 12 प्लस 132। अब देखिए अब इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि एन माइनस वन को इधर रहने देते हैं और 3 को उधर भेजते हैं और 12 को भी उधर भेजते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12 बराबर 53 में जब 12 से गुणा कीजिएगा, 53 में जब 12 से गुणा कीजिएगा तो आपको आएगा, ध्यान रखिएगा 636, कितना आएगा 636 प्लस 132, और यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, 636 में 132 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12 बराबर 3 प्लस, इसको जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो आपका आएगा 769, ठीक है। अब देखिए इस 3 को हम बराबर के इधर भेजते हैं, तो बराबर के जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर होगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12 बराबर
थ्री प्लस 768 माइनस थ्री। देखिए थ्री यहाँ पर भी है, थ्री यहाँ पर भी है, थ्री और थ्री कट जाएगा। अब देखिए एन माइनस वन और बराबर जब इधर में गुणा में है तो बराबर के इधर भेजते हैं तो भाग होता है, तो यानी कि 768 में क्या करेगा, 768 में 12 से भाग कर, भाग करना होगा। ठीक है, जब भाग कीजिएगा 768 में 12 से तो आपको आएगा 64, तो होगा यहाँ पर एन माइनस वन बराबर 64। और देखिए एन का मान निकालना है, कौन सा पद बोल रहा था, तो एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को फ्री करेंगे और माइनस वन को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर होगा 64 प्लस वन इजकल टू 65, यानी एन बराबर 65। यही हुआ आपका आंसर। धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।